नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसे होता है। तो पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको 18th सेंचुरी में भारत की क्या स्थिति थी वो बता दिया था। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर जो कॉलोनीज बनाई, वो किस तरह से बनी, उनकी शुरुआत कैसे हुई, ये व्यापारी थे, व्यापार से ये लोग देश पर कब्जा करने के लिए कैसे उतारू हो गए, इसकी कहानी शुरुआत होती है पोर्चुगीज के साथ। क्योंकि सबसे पहले भारत में कौन आया था, पोर्चुगीज आए थे और डच आए थे। तो इन दोनों के बारे में भी मैं आपको पहले बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच और इंग्लिश है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पोर्चुगीज जो है ये भारत में आने लग गए थे 15th सेंचुरी के एंड से, 1490s का जो टाइम पीरियड था तब से ये भारत आ गए थे। और 16th सेंचुरी की शुरुआत यानी कि 1515 ये वाला जो टाइम पीरियड था, उस समय ही इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो ये बातें आज से लगभग 500 साल पुरानी है और इंग्लिश और फ्रेंच तो इनके बहुत बाद में आए थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि पोर्चुगीज जल्दी आ गए लेकिन ये बाद में टिक नहीं पाए, इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री प्लस पेड दोनों ही तरह की क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो आपको केवल रजिस्टर करना है वेबसाइट पर यूजिंग एन अनलॉक कोड। अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो क्लासेस आपके लिए फ्री वाली अवेलेबल नहीं होंगी। तो आपको कोड यूज करना है मेरा नाम, दैट इज महिपाल। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको ढेरों फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी बाय ऑल दी एजुकेटर्स जो प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर आपको इनकी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस ये कहलाती हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट इफ यू परचेज अ सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर आपको प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होंगे। अगर आप इनको बंडल्ड साथ में लेते हैं तो आपको यहां पर कुछ प्राइस का डिस्काउंट मिलेगा और यहां पर आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी। यू हैव टू यूज द कोड महिपाल एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप एक साल की क्लासेस लेते हैं तो आपको 44,000 रुपीज पे करना है। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जिसमें आपको एक पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा, तो आपको ये वाली प्राइसेस नहीं बल्कि 10% डिस्काउंट के साथ ये प्राइसेस पे करनी है। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगेन, डोंट पे दीज प्राइसेस, गेट 10% डिस्काउंट इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड। और यूपीएससी के अलावा भी अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन सबके कोर्सेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। इनके ईयरली सब्सक्रिप्शन के ये चार्जेस होंगे इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड। डोंट पे दीज प्राइसेस, ये वाली मत दे देना प्राइसेस, आपको ये पैसा देना है अगर आप कोड यूज करते हैं तो। अब हम बात करते हैं यूरोपियंस और भारत के लोगों के बीच के व्यापार के बारे में। तो देखो, भारत में यूरोपियंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोपियंस के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था उसके पहले। जी नहीं, ऑलमोस्ट 3000 साल पहले से हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ ट्रेड विथ यूरोप। तो यूरोप में जो रोमन एम्पायर था मेनली, उसके साथ भारत का व्यापार होता था और इस व्यापार का मोस्टली ये वाला रूट था कि देखो, समुद्र से यहाँ तक आ गए, जो आज का जो इसराइल सीरिया वाला एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा ये ज़मीन पर ट्रैवल करके या तो रेड सी से होते हुए आ गए या फिर ये इराक वाला रूट ज़मीन पर क्रॉस करके और पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत पहुँच गए। दूसरा रूट जो मिडिवल टाइम पीरियड में ज़्यादा चलने लगा था वो ये कारवान वाला रूट था, लैंड रूट। तो इसमें क्या होता था, टर्की होते हुए यहाँ से ये कारवान आते थे, इन्हीं को सिल्क रूट कहा जाता था क्योंकि ये आगे चाइना को कनेक्ट करते थे। लेकिन इसमें जो मेजर ट्रेड रूट्स थे वो चाइना से कनेक्ट करते थे, भारत को भी कनेक्ट करते थे, लेकिन लैंड रूट जो है वो बहुत ही स्लो था क्योंकि उस समय कोई मोटर गाड़ियां नहीं थी, ऊँटों पर या घोड़ों पर व्यापार होता था पूरा, तो इसीलिए ये काफ़ी स्लो था। तो मोस्टली व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था, बस ये वाला जो मिडल ईस्ट वाला जो पोर्शन है इसको ज़मीन से क्रॉस करना पड़ता था। अब रोमन एम्पायर जो कि यूरोप में बहुत पावरफुल था ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के लिए, वो अपने चरम पर था 1st सेंचुरी AD में। उस समय ये इतना एरिया कवर करता था जो भी आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न और सदर्न यूरोप और उसके साथ साथ टर्की का आज का एरिया, जो इराक वाला रीजन है, और पूरा अफ्रीकन का जो नॉर्थ कोस्ट है, अफ्रीका का नॉर्दर्न कोस्ट, उसको भी ये कवर कर रहा था। तो बेसिकली मेडिटेरेनियन से जो भी व्यापार हो रहा था वो सब कुछ रोमन एम्पायर के अधीन था। तो रोमन एम्पायर के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसके बारे में हमें बहुत पहले से एविडेंसेस मिलते हैं। इनफैक्ट 1200 BC से एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं एंशिएंट ग्रीस, पर्शिया और मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था उसके बारे में। तो प्री मौर्यन और मौर्यन टाइम्स के भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट महाभारत में भी यवन्स के बारे में लिखा गया है और यवन एक ऐसा टर्म है जो मोस्टली यूरोपियंस को या ग्रीक्स को टू बी स्पेसिफिक डिनोट करते हुए इंडिया की हिस्ट्री में यूज किया जाता था।
फिर कई ग्रीक हिस्टोरियंस ने भारत के साथ व्यापार के बारे में लिखा भी है, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, उसमें भी लिखा गया है भारत के बारे में। अलेक्जेंडर ने भारत पर इन्वेजन किया था, भारत के बॉर्डर तक, वो वहाँ तक काफ़ी इंट्रैक्शन था। उसके बाद गंधार आर्ट के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं यूरोपियन आर्ट फॉर्म के, और रोमन एम्पायर के साथ तो काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस थे भारत के सभी बड़े बड़े एम्पायर्स के। लेकिन क्या होता है कि देखो, 5th सेंचुरी आते आते ये रोमन एम्पायर टूट जाता है, इसका जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, यहाँ से नॉर्दर्न ट्राइब्स इन पर हमला करती हैं, और 5th सेंचुरी टू बी स्पेसिफिक 476 AD में जो रोम सिटी है ये पूरा तहस नहस हो जाता है और वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्रम्पल्स। तो उसके बाद क्या बचता है, ईस्टर्न रोमन। तो ये जो पार्ट था ये बचा रह गया, और ये बिजेंटीन या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से और 1000 साल रूल करता है, 1000 ईयर्स तक नेक्स्ट ये पावरफुल रहता है। तो बाद में इसी को रोमन एम्पायर कहने लग गए, या फिर हम इसको बेजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं। ओके, तो 11th से 15th सेंचुरी के बीच में उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या होता है कि कुछ सिटी स्टेट्स आ जाते हैं, ये इटली के एरिया में आते हैं, तो जैसे वेनिस ये है, यहाँ पर जेनोवा ये है, पीसा। तो इस तरह के जो सिटी स्टेट्स हैं ये व्यापार में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ये बेसिकली पूरी तरह ट्रेड पे बेस्ड थे। मैरीटाइम एम्पायर्स इनको कहा जाने लगा, क्योंकि इनका देखो जमीन पर कोई खास एरिया नहीं है, लेकिन ये समुद्र के राजा थे, इनकी बादशाहत चलती थी इन सभी इटालियन सिटी स्टेट्स की, वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पीसा, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इटली में आज भी, और ये सब मैरीटाइम एम्पायर चलाते थे। ये सिटी स्टेट्स थे, ये कोई बहुत बड़ी रियासतें नहीं थी, मोस्टली अपने अपने शहर पर ही राज करते थे, लेकिन इनका व्यापार बहुत बड़ा था। तो ये इंडिया के साथ या एशिया के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करते थे, और रास्ता वही था, लैंड रूट बीच में आ जाता था, उसके थ्रू ये व्यापार करना इनका इनकी मजबूरी थी। लेकिन देखो यहां पर क्या था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये जो पिंक में आपको नजर आ रहा है ये बिजेंटीन एम्पायर है, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं आती थी, ठीक है, इनके आपस में बनती नहीं थी, ये हमेशा प्रॉब्लम करते रहते थे एक दूसरे के लिए। लेकिन देखो ये भी क्रिश्चियन, ये भी क्रिश्चियन, तो इतने ज्यादा रिलीजियस प्रॉब्लम्स इनको नहीं थे। हालांकि इस गलत फहमी में मत रहना कि दोनों का धर्म एक है तो दोनों बहुत भाई भाई बन के रहते थे, जी नहीं, ऑटोमन्स और वेनेशियंस के बीच में हमेशा से इकोनॉमिक राइवलरी रही थी, कई सदियों तक इकोनॉमिक राइवलरी रही थी, ये हमेशा इस चक्कर में रहते थे कि कैसे इनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूला जाए, क्योंकि ये अमीर हो रहे थे और ये सोचते थे हम बीच में बैठे हैं, हम तो अमीर नहीं हो रहे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके बीच में चलती रहती थी, फिर भी ट्रेड ऑनगोइंग था, ट्रेड में दिक्कत नहीं आती थी, रास्ता इंडिया का साफ था। ये सब कुछ बदल गया जब इस एरिया पे कंट्रोल किसका आ जाता है, ऑटोमन तुर्क्स का। तो ऑटोमन तुर्क्स ने बहुत फेमसली 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर फतह हासिल करके बिजेंटीन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं कि बिजेंटीन एम्पायर जो है उसके समय व्यापार बहुत अच्छा था, ऑटोमन तुर्क्स को व्यापार पसंद नहीं था क्योंकि वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने व्यापार बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑटोमन्स को भी पैसा चाहिए था, ऑटोमन्स भी तो व्यापार चाहेंगे, उनका किंगडम डेवलप कैसे होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी, तो उसके कारण ये नहीं चाहते थे कि हमारा सारा व्यापार इस रास्ते पर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि ये रोक देते थे, कभी टैक्स बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, तो बेसिकली इस रास्ते से कोई खुश नहीं था। ये एक वैसा रास्ता है जिसमें जा रहे हो तो रिस्क है, कभी भी कुछ भी नया टोल आ सकता है, नया टैक्स आ सकता है, हो सकता है रास्ते में मार भी दे, तो इस तरह की अनसर्टेनिटी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेड 100% रुक गया था। तो अब इन इटालियन सिटी स्टेट्स को क्या चाहिए था, एक ऑल्टरनेट रास्ता। और इसी समय दो और देश जो हैं वो इस ट्रेड में काफी आगे बढ़ रहे थे, वो थे पोर्चुगल और स्पेन। तो अभी तक इनका नाम नहीं आया था क्योंकि ये इतने बड़े खिलाड़ी थे नहीं, लेकिन 14th-15th सेंचुरी में ये भी इस ट्रेड का एक हिस्सा बनना चाहते थे। कुछ कुछ हिस्से में ये थे, इनका भी थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ करता था, लेकिन इन सिटी स्टेट जितना बड़ा इनका व्यापार नहीं था। अब ये ऑटोमन एम्पायर आने के बाद जब वेनिस और उसके आसपास के सिटी स्टेट्स को समस्या हुई, तो पोर्चुगल और स्पेन को लगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हम इसका फायदा उठाते हैं, हम अपने लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन रास्ता क्या है, इनका भी तो यही रास्ता था, और ये तो टर्की ऑटोमन एम्पायर से बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि यहां पर थोड़े और कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस रहते थे, क्योंकि पोर्चुगल और स्पेन वेर वेरी कंजर्वेटिव। वेनिस वाले तो फिर भी ऐसा था कि भाई व्यापार करना है, किसी के साथ भी कर लेंगे, धंधा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा दो और व्यापार करो। लेकिन पोर्चुगल स्पेन का मूड ऐसा नहीं था, ये लोग थोड़े ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, इनका ये था कि हम इनके साथ बीच में लाते हुए व्यापार नहीं करेंगे, ऑटोमन्स के साथ हम हमारा अलग रास्ता ढूंढेंगे। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं कि लैंड रूट्स का क्या हुआ। तो देखो लैंड रूट जो था ना वो मंगोल्स के कंट्रोल में आ गया था 12th-13th सेंचुरी में, तो मंगोल्स ने भी इसमें बहुत पैसा कमाया, मंगोल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो व्यापार को बढ़ावा देते थे। लेकिन क्या होता है कि 1340s के बाद में मंगोल्स डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी उनकी कम होती है क्योंकि ब्लैक डेथ प्लेग आ गया था और पैंडेमिक थी बहुत बड़ी, और ये पैंडेमिक जो आज की पैंडेमिक है उसके मुकाबले 100 गुना ज्यादा इकोनॉमी और सोसाइटी को तहस नहस करने वाली थी। अभी वाली ने तो कुछ भी नहीं किया है, उस समय तो बहुत हालत खराब हो गई थी। तो इसके कारण क्या होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती है, तो ये वाला रास्ता सेफ नहीं रहा था, इसीलिए इस वाले रूट को अब कोई प्रेफर नहीं करता था, सब समुद्र के रास्ते से ही जाना चाहते थे।
तो 14-15 सेंचुरी में एक नाम आपको याद रखना है, मेडिची फैमिली का। मेडिची बैंकर्स जो थे, इन्होंने मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम शुरू किया। जो आज आप बैंक्स का सिस्टम देखते हैं वो मोस्टली यहीं से इंस्पायर हुआ था। तो मेडिची बैंकर्स जो हैं, ये एक फैमिली थी, बहुत पावरफुल हो गई थी मेडिची फैमिली। उन्होंने इटालियन ट्रेड को बहुत आगे तक लेकर गए और बहुत आगे पहुंचाया, और धीरे धीरे वेनिस जो है उसको, मेन वेनिस और जिनोवा को पॉपुलर करने के लिए, उनके ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस परिवार का बहुत बड़ा इसमें रोल था। आई थिंक इस पर नेटफ्लिक्स का एक शो भी आया था कुछ साल पहले, तो देखने मत बैठ जाना, बस नाम याद रख लो हिस्ट्री में आपके लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मेडिची बैंकर्स या मेडिची फैमिली का क्या रोल था, बैंकिंग और ट्रेड, ये इनका सबसे बड़ा रोल था। और ये हेरिडिटरी फैमिली थी, ये राजा वाजा नहीं थे, लेकिन ये राजा से कम भी नहीं थे। दूसरी ओर स्पेन और पोर्चुगल का क्या ट्रेड सीन था, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ट्रेड कर रहे थे। जो आज का ये एरिया है माली वाला, यहाँ पर कुछ सिटीज हैं इंपॉर्टेंट, इनके साथ इनका ट्रेड ऑलरेडी ऑनगोइंग था। तो ये जो वेस्टर्न वाला रूट है ना समुद्र का, यहाँ से इनको पता था रास्ता, लेकिन ये पूरा अफ्रीका की टिप तक नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पर माली वाले एरिया के साथ इनका ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, मोस्टली गोल्ड के अंदर ये ट्रेड कर रहे थे और रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा था। फिर 15th सेंचुरी के मध्य में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इवेंट क्या था कि इकोनॉमी क्रैश कर जाती है। हो क्या रहा था कि यूरोप से इंडिया की तरफ क्या जा रहा था, खाली जहाज जा रहे थे, केवल पैसा लेकर जा रहे थे। भारत को मोस्टली गोल्ड वगैरह देते थे व्यापारियों को, और वहां से लेकर आते थे स्पाइसेस। तो भारत से तो बहुत कुछ यूरोप आ रहा था, स्पाइसेस के बिना लोगों का खाना पीना हजम नहीं होता था यूरोप में, इतना स्पाइसेस आ रहा था। लेकिन भारत को कुछ नहीं मिल रहा था बदले में, यानी कि मिल रहा था गोल्ड मिल रहा था, लेकिन कोई कमोडिटी नहीं थी। होता यह कि 1440s में जो ये इकोनॉमिक बबल बन रहा था, बहुत तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी यूरोप की, वो एकदम से बस्ट हो जाती है और एक रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट होता है। और यूरोप के साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और करेंसी डीवैल्यूएशन होना शुरू हो जाता है। तो जो टिपिकल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं कि आप एक ही तरफ सारा पेमेंट जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होगा, और इसके कारण अचानक से इकोनॉमी होती है क्रैश। और उसके तुरंत बाद ये ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर स्थापित हो जाता है, बीच में आ जाता है। ऑटोमन्स अब इन क्रूशल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जब चाहें क्रिश्चियन यूरोप को ब्लॉक कर सकते हैं ट्रेडिंग से। तो ऐसा नहीं है कि इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, वेनेशियन स्टेट्स के पास ये था पावर कि वो पैसा देकर ट्रेड कर लें। लेकिन अब आप ही समझो ना, अगर बीच में अगर कोई एम्पायर आ जाता है तो वो थोड़ी ना इतनी आसानी से इनको जाने देगा, इनसे डबल पैसे चार्ज किए जाएंगे, ट्रिपल पैसे चार्ज किए जाएंगे। तो बेसिकली यूरोप में कोई भी खुश नहीं था ऑटोमन एम्पायर के आने से। तो बेसिकली ये इटालियन सिटी स्टेट्स व्यापार तो कर पा रहे थे, लेकिन इनकी खुशहाली को नजर लग गई और इनकी जो ये तरक्की है ये अचानक से एकदम नीचे आनी शुरू हो गई। दूसरी ओर इटली को छोड़कर स्पेन और पोर्चुगल जो हैं, ये क्या सोचने लगे कि हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, हम अपना अलग रास्ता बनाएंगे। तो वेस्टर्न अफ्रीका तक तो पहुंचे हुए हैं, थोड़ा और दक्षिण में जाके देखते हैं कि हो सकता है कोई नया रास्ता मिल जाए। तो यही नए रास्ते की चाहत, और अब ये रेनेसां का और टाइम पीरियड शुरू हो गया था, तो इन दोनों ने एक्सप्लोरेशन की एज को बढ़ावा दिया। तो एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि 1487 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, जिसका नाम आपको याद रखना है बार्थोलोम्यू डियाज, इसने हिम्मत करी, इसने डेरिंग किया और इसने दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने की कोशिश करी। तो ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था, यानी कि पूरा वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट इसने नाप लिया। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक दिन में नहीं हुआ था, ये सब धीरे धीरे हुआ था, स्टेप बाय स्टेप चले थे। एक जहाज कभी यहां पहुंचा, फिर 4-5 साल बाद इनका अगला जहाज यहां तक पहुंचा, फिर 4-5 साल बाद अगला जहाज यहां तक पहुंचा। तो फाइनली 1487 में केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला पहला पोर्चुगीज सेलर बन गया बार्थोलोम्यू डियाज, और इससे इनको बढ़ावा मिला, जोश मिला कि भाई यहां तक पहुंच गए तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा। डियाज के बाद अगली बड़ी डेयरिंग करने चला क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने बोला कि मैं इंडिया जाऊंगा, मैं डेयरिंग करूंगा, लेकिन पहुंच कहां पे गया ये, कैरिबियन आइलैंड्स में। लेकिन वहां जाकर भी माना नहीं, बोला कि नहीं यही इंडिया है, और इसलिए आज भी हम इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि गलत रास्ते पे, गलत दिशा में पहुंच गया था, गलत दिशा में, गलत कॉन्टिनेंट पर था, फिर भी उसने एक अलग कॉन्टिनेंट तो डिस्कवर कर लिया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने धीरे धीरे यहां भी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करवाने की शुरुआत कर दी। अब दिक्कत क्या होती है कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई साहब यहां पे कौन संभालेगा, यहां कौन संभालेगा, हर जगह व्यापार है, हर जगह चांदी हो रही है, तो कहीं तो कुछ तो डिसीजन ले, हर जगह लड़ाई तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने आपस में एक ट्रीटी साइन कर ली, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख सको तो रख लेना, टॉर्डेसिया नाम की ये ट्रीटी है, ठीक है, टॉर्डेसिलास नहीं कहते इसको, टॉर्डेसिया कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिया में इन्होंने एक डीमार्केशन कर लिया, बस आप तो इतना याद रख लो, ये लाइन खींच दी गई कि इसके इधर सब कुछ किसका, पोर्चुगल का, इसके इधर स्पेन का, अरे नहीं उल्टा बोल दिया, इधर स्पेन और इधर पोर्चुगल है, ठीक है, ईस्ट वाला जो है वो पोर्चुगल का हो गया, वेस्ट वाला सब कुछ स्पेन का हो गया। तो इसीलिए आप देखोगे जो पूरा आज भी सेंट्रल अमेरिका है या फिर मेक्सिको जैसे देश हैं, वो सब स्पेनिश हेरिटेज के हैं, वहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है, क्यों, क्योंकि स्पेन की यहाँ पर कॉलोनीज थी। जितना भी ये साउथ अमेरिकन कोस्ट है यहाँ भी स्पेन की कॉलोनीज थी। हाँ
जो इतना सा एरिया है ना, ये देखो ये लाइन में कट ऑफ हो रहा है, तो ये ब्राजील का जो तट है ये पोर्चुगीज के अंडर में आ गया, तो इसीलिए ब्राजील बन गया पोर्चुगीज कॉलोनी, ऑलराइट। जबकि ये वाला जो पूरा तट है ये स्पेन के अंडर में था, और जो ये सेंट्रल अमेरिका जो इस मैप में दिख नहीं रहा वो भी स्पेन के अंडर में था। और यहाँ अफ्रीका में भी पोर्चुगल की बहुत सारी कॉलोनीज बन गई, जैसे अंगोला एटसेट्रा, तो यहाँ पोर्चुगीज पूरे स्थापित हो गए। तो ये ट्रीटी जो है ये इनके आपस में एक डिसीजन थी, इन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया, अटलांटिक ओशन के बीच में ये लाइन इन्होंने चला दी। उसके बाद 1497 में एक आदमी था वास्को डे गामा, ये भी एक नेविगेटर था, इसने डिसाइड किया कि मैं जहाज लेकर पहुंचूंगा भारत। अब इसने क्या रूट तय किया कि वो कोलंबस तो बेवकूफ था, वो उल्टी दिशा में पहुंच गया, मैं डियास वाले रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। और कोई भी दुनिया में जो महान काम है ना वो एकदम से नहीं होता है, इट टेक्स ओल्डर स्टेप्स टू बिल्ड स्टेप अपॉन स्टेप। इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे आपको मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन का एग्जाम्पल देता हूँ, क्या इंसान सीधे तौर पर मार्स पे पहुंच सकता है? अभी प्लानिंग चल रही है कि मार्स ग्रह पर नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, लेकिन क्या वो तुरंत पहुंच गए? नहीं, सबसे पहले रॉकेट्स बने, उसके बाद स्पेस रॉकेट बने, फिर एक कुत्ते को स्पेस में भेजा गया, फिर कुछ और जानवर भेजे गए, फिर इंसान को भेजा गया, फिर इंसान चांद पर लैंड किया, अब उसके बाद मार्स पर हमने क्या भेजे हैं? रोवर्स भेजे हैं, मार्स पर हमने ड्रोन्स भेजे हैं, उसके बाद हम इंसान को भेजेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होता है और ये काम धीरे धीरे होता है। तो आप सोचो 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के साथ भी इस काम को हमको करने में 70-80 साल लग गए, तो उस समय की बात है, ये एक्सप्लोरेशन की एज थी, तो वहां पर भी टाइम लग गया। तो लगभग 50-70 सालों में ये रूट धीरे धीरे डेवलप हुआ था। वास्को डे गामा ने ऐसा नहीं है कि आज ब्लाइंडली सेल किया पोर्चुगल से और भारत पहुंच गया, तो जितना श्रेय इसको दिया जाता है उतना मुझे नहीं लगता कि ये डिजर्व करता है। अब ये एग्जाम में मत लिख देना, लेकिन हाँ ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि डियास केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। तो इसने अपना लक्ष्य बनाया कि भारत पहुंचना है। अब इसको ये तो पता था कि केप ऑफ गुड होप तक कैसे पहुंचे, उसके आगे इसने अपना खुद का रिस्क लिया और अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहां पर ये एक से आगे एक शहर तक बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि तुरंत यहां से सेल करके भारत पहुंच गया, नहीं, इसको रास्ता ही नहीं पता था। तो ये जब यहां पहुंचा ना, जो टंजानिया वाला कोस्ट है, मोम्बासा पहुंचा, तब तो इसको यहां पर कुछ भारतीय लोग मिले, गुजराती सेलर्स मिले, तो इसने शक्ल देख के पहचान लिया कि तुम इंडियन गुज्जू। तो जो गुजराती सेलर थे बोले बिल्कुल, तो बोले एक काम करो, तुमको हम बंदी बना रहे हैं, इनको कैप्टिव बना लिया और बोले बैठो जहाज में और हमें रास्ता बताओ। अब ये जो ट्रेड रूट है ना, ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड रूट था, इस पर किसका कब्जा था? अरब्स का। ये वाला जो पूरा कोस्ट है ना, बाय द वे, इस पर अरब्स का कंट्रोल था। ये जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर पूरा अरब्स का कंट्रोल हुआ करता था। तो अरब्स और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग रूट थे उसको ये लोग देना नहीं चाहते थे पोर्चुगीज को। इनको पता था कि ये चल रहा है, कार्यवाही तो कर ही रहे हैं, इनको यहां से आने की परमिशन नहीं मिल रही, तो ये यहां से आएंगे। तो इसको, यानी कि वास्को डी गामा को कोई इतना स्वागत नहीं मिला था मोम्बासा वगैरह में। इसको इनफैक्ट मारने की भी कोशिश करी गई थी कई बार अफ्रीकन कोस्ट पे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको गुजराती सेलर्स मिल गए और इनको बिठाकर ये जहाजों में इसको फोर्स किया इसने कि तुम मुझे वो मॉनसून वाला रूट बताओ कि कैसे मॉनसून विंड्स का फायदा उठाते हुए ये भारत का रास्ता तय किया जाता है। तो अल्टीमेटली वो पहुंच गया केरल में, केरल में जो कैलिकट नाम की जगह है वहां पर वो लैंड करता है। 1498 में इसके जहाज पहुंचे थे कैलिकट, जिसको आज कोड़ीकोड कहते हैं। यहां पर जो हिंदू रूलर था जैमोरिन, उसके साथ उसने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किए वास्को डे गामा ने। लेकिन यहां पर एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश ट्रेड रूट था, किसके द्वारा? अरब सेलर्स के द्वारा। अरब सेलर्स यहां पर 400-500 सालों से अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे और अचानक वो देखते हैं कि भाई साहब ये कौन आ गए, वास्को डे गामा, पोर्चुगीज, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट नाप के आ गया ये। तो अचानक से अरब सेलर्स के साथ पोर्चुगीज की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेड रूट है ना, अब जो इस पर कंट्रोल रखेगा सारा पैसा उसी का, और यहां से व्यापार किसका होता था? स्पाइसेस का। तो अभी तक क्या होता था कि यूरोप भी ये स्पाइस पहुंचते थे, लेकिन ये अरब मिडलमैन पहुंचाते थे, यहां से ये खरीद कर लाए, फिर आगे ले गए, फिर ऑटोमन से होते हुए यूरोप पहुंच गए। तो इसीलिए तो यूरोप में सब कुछ महंगा हो गया था जैसे ही ऑटोमन आए थे। तो अरब मिडलमैन जो है इस ट्रेड का बहुत फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही डायरेक्ट एक्सेस मिला तो अचानक से वास्को डे गामा जिस प्राइस पर ये स्पाइसेस को लेकर आया था वो 10 गुना कम हो गए। इमेजिन करो, आप किसी चीज को 1000 रुपए किलो खरीद रहे हो और अचानक से वो 100 रुपए किलो हो जाए, तो आप भी जाके पूछोगे ना दुकानदार से कि भाई साहब ये कैसे हुआ? पता चला कि वास्को डे गामा के कारण हुआ है। तो फिर पोर्चुगीज की जो सरकार थी या जो राजा था, उसने कहा कि चलो अब तो और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, सामान सस्ते में आएगा। तो इन्होंने पेड्रो अल्वारेस कबराल को भेजा कि तुम जाओ जैमोरिन के साथ बातचीत करो और वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित करो। ये फैक्ट्री क्या होती है? कुछ नहीं, एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट है, आप इसको मान लो एक तरह का वेयर हाउस है, कि जैसे कि रॉ मटेरियल आता है, स्पाइसेस आए, तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करेंगे ना, तो ये खरीद कर उसको स्टोर कर लेते थे, जब जहाज आया उस पर चढ़ा दिया। तो ये बेसिकली एक वेयर हाउस का काम करता था, यही फैक्ट्री थी, यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था। तो फैक्ट्री में इनके ऑफिसेज हैं, खुद रह लेते थे जो लोग पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे। तो कबराल को भेजा गया कि आप जाके जैमोरिन के साथ बात बात करो। लेकिन ये जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी इस पर लोकल लोगों ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब कोई यहाँ पर कहता है कि ये अरब्स के भड़काने के कारण हुआ था, अरब ट्रेडर्स ने करवाया था, एग्जैक्टली हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए कि इस फैक्ट्री पर जब अटैक हुआ तो कई पोर्चुगीज मारे गए। रिटेलिएशन में कबराल ने पूरे कैलिकट शहर पर बॉम्बिंग करवा दी।
और उसने कई अरब मर्चेंट शिप्स को हाईजैक कर लिया कैलिकट हार्बर से और उनके कई क्रू मेंबर्स को मार दिया। तो अब यहाँ पर मारकाट मचनी शुरू हो गई। अब जैमोरिन ये देख रहा है कि यार मेरे यहाँ शांति से ट्रेड चल रहा था, अच्छा खासा मैं अरब्स के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, हम भी अमीर हो रहे थे, ये भी अमीर हो रहे थे, ये पोर्चुगीज आकर बवाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन पोर्चुगीज जो है वो जिद से या फिर फायर पावर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, तो इन्होंने अपने फेवर में ट्रीटीज एस्टैब्लिश करवाई और कैलिकट और कैनोनोर में इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। तो पोर्चुगीज ट्रेड जो है ये बेसिकली किस किस को थ्रेट था, एक तो अरब्स को थ्रेट था जो इस ट्रेड पर बीच में हिस्सा जमाए हुए थे, दूसरा वो जो वेनिस वाले जो सारे सिटी स्टेट्स थे ना उनके लिए भी ये थ्रेट था, क्योंकि आप पोर्चुगल स्पेन के पास तो नया रास्ता है, वेनिस वालों के पास ये रास्ता है नहीं, अगर ये वेनिस वाले यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे केरल वगैरह तक, तो इसीलिए अब इनको भी थ्रेट होना शुरू हो गया। तो वेनिस में इस तरह की बातें होने लग गई कि अगर पोर्चुगल और स्पेन को हमने इस रूट पर कब्जा करने दिया, इस व्यापार पर कब्जा करने दिया, तो हमें तो फिर से मछली पकड़ने वाले स्थिति पर जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक टू फिशिंग। तो इन्होंने क्या करा, सबने मिलकर एक अलायंस बनाने की शुरुआत कर दी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देना। तो वेनिस ने मुस्लिम इजिप्ट मामलुक सल्तनत को ये बोला कि चलो पोर्चुगीज पर अटैक करते हैं मिलकर, तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम किंगडम्स मिलकर अटैक कर रहे थे। मैंने आपको बोला था ना कि वेनिस वालों को धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो आराम से सबके साथ व्यापार करने को तैयार थे। इनफैक्ट इन्होंने तो ये जो आज का जो सुएज कैनाल है ना वहां पर कैनाल बनाने की भी बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन वास्को डेगामा फिर से अब आते हैं पिक्चर में, इनको समझ में आया कि अच्छा पीछे इतना कुछ चल रहा है, तो वास्को डेगामा फिर खुद भारत आया, सेकेंड वॉयज थी उसकी। तो वैसे ये फर्स्ट वॉयज में इतना अमीर हो गया था कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आया, जैमोरिन से इसने बात बात करी। जैमोरिन ने कहा कि देखो मेरे अरब्स के साथ कई सदियों से अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन हैं, तो हम उनको आउट क्यों कर दें, अचानक से हम तुम्हें तुमसे क्यों सारा व्यापार करें, मोनोपोली हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज के फेवर में। तो जैमोरिन के मना करने के बाद वास्को डेगामा ने दूसरा रास्ता अपनाया फायर पावर का। वास्को डे गामा ने अरब शिप्स पर अटैक करने शुरू कर दिए और ये अटैक्स इतने विशियस थे कि इसके बारे में कई अकाउंट्स भी हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, तो आप इसको पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। मतलब निहत्ते जहाजों पर हमले किए गए जो मुस्लिम्स को कैरी कर रहे थे, जो जैसे हज की यात्रा पर जाते थे शिप्स, उन पर भी अटैक किए गए। और वास्को डे गामा का एक ही लक्ष्य था कि जहाजों को डुबाना है, लोगों को मारना है, टेरर क्रिएट करना है, और उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था, ताकि अल्टीमेटली अरब्स जो हैं वो इस ट्रेड के रास्ते को बंद कर दें या फिर ये हमें यहाँ पर व्यापार करने दें। तो इस तरह की टैक्टिक्स के साथ पोर्चुगीज एम्पायर भारत में शुरू होता है और 1500 में जहाँ इनका जीरो से शुरुआत इनकी हुई थी, वहाँ ये 200 साल के अंदर अंदर इतने सारे अपने आउटपोस्ट या फिर अपनी कॉलोनी को यहाँ पर बना लेते हैं। ये सारे ट्रेडिंग आउटपोस्ट हैं जो पोर्चुगीज इंडिया के थे। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने लायक है कि पोर्चुगीज जो हैं वो कोई कंपनी बनाकर नहीं आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश या फ्रेंच की तरह या डच की तरह इनकी कंपनी नहीं थी, जो कुछ भी हो रहा था वो पोर्चुगल के राजा के डायरेक्टली अधीन हो रहा था, है ना। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार लोग मिस आउट कर जाते हैं। और मैप में आप देख सकते हो कि ये इतने सारे इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए अपने दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर, यहाँ कलकत्ता या हुगली, आज का जो कलकत्ता है हुगली से लेकर यहाँ पर दीव तक इनके ट्रेडिंग आउटपोस्ट मौजूद थे। तो इन्होंने सबसे पहले अरब राइवल्स को अपने रास्ते से हटाया और उसके बाद खुद की फैक्ट्री स्थापित करना शुरू करी, कैलिकट, कैनोनोर, कोचिन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्रीज कहाँ थी, तो ये वाली तीन जगह हैं, इनकी नाम आपको याद होने चाहिए, डेफिनेटली पूछा जाता है। फिर इन फैक्ट्रीज के साथ साथ इन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए कि आसपास इनके किले बना दो, फोर्ट बना दो। और 1505 में फ्रांचेस्को डी एलमेडा को भेजा जाता है एज पोर्चुगीज गवर्नर, क्योंकि अब इतनी सारी इनकी टेरिटरी हो गई है तो इनको गवर्न करने के लिए एक गवर्नर की आवश्यकता है, तो एक गवर्नर के रूप में भेजा जाता है अल्मेडा को, ठीक है। वास्को डे गामा अपना काम करके जा चुका है अब, तो अब 1505 में अल्मेडा आता है, इसको मिलिट्री फोर्स भी पूरी दी जाती है पोर्चुगल के राजा के द्वारा कि आराम से जाओ अटैक वटैक करो, जिस पे जहां अटैक करना है वो करो, और वास्को डे गामा की पॉलिसी को ये आगे कंटिन्यू करता है। तो अल्मेडा ने बहुत सारे अरब पोर्ट्स पर हमले किए, जैसे जेड्डा, मक्का, मस्कत, कलहात, ये सारे अरेबियन पेनिनसुला के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कई जगह इसने मस्जिदों को भी जलाया। तो ये जो अटैक्स हैं ये बहुत ही इनफेमस अटैक्स हो गए थे उस समय की हिस्ट्री में। इस तरह के अटैक्स देखकर फाइनली जो इजिप्ट के सुल्तान हैं उन्होंने डिसाइड किया कि टाइम आ गया है कि वो जो वेनिस के मर्चेंट्स ने ऑफर दिया था ना उन ऑफर को स्वीकारना पड़ेगा। तो वेनिस के जो मर्चेंट हैं वो तो चाहते थे व्यापार, मामलुक सुल्तान भी व्यापार चाहते थे, प्लस उनको ये जो अरब्स पर अटैक हो रहे थे पोर्ट्स पर, ये उनके घर के काफ़ी निकट थे। तो फाइनली इन्होंने क्या कहा कि चलो इंडिया में एक लोकल पार्टनर भी ले लेते हैं, तो गुजरात के सुल्तान को इन्होंने अपनी तरफ किया और वेनिस और इजिप्ट की फ्लीट ने भारत में पोर्चुगीज पर हमले शुरू किए। मतलब आप देख रहे हो कि ग्लोब कितना इंटरकनेक्टेड हो रहा है। इस मैप में आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये है मामलुक इजिप्ट, ये हैं अरब पोर्ट्स यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में, ये हैं वेनिस, तो यहाँ के लोग और गुजरात के सुल्तान की आर्मीज मिलकर
किस पर हमला कर रहे हैं? पोर्चुगल की आर्मी पर। लेकिन ये कहां पर हो रही है लड़ाइयां? भारत के तट पर। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना कि जियोपॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स थी 16th सेंचुरी की। तो पहली लड़ाई में तो पोर्चुगीज की होती है हार, और यहां पर अल्मेडा का खुद का बेटा, गवर्नर का बेटा मारा गया। लेकिन फिर 2 साल बाद फिर से एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ द्यू, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर याद रखो, स्टार मार्क कर रहा हूं, जिस भी बैटल पे या साल पे मैं स्टार मार्क करता हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स में हाईलाइट कर लेना, अगर पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें भी मार्क कर लेना किसी तरह से। तो बैटल ऑफ द्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तरफ कौन था? मामलुक्स ऑफ इजिप्ट, गुजरात सल्तनत, जैमोरिन ऑफ कैलिकट, इनको भी साथ लिया है कि तुम भी तो परेशान हो पोर्चुगीज से, आ जाओ। और वेनिस और ऑटोमन्स का भी सपोर्ट था। इन सभी की सपोर्ट वाली आर्मीज किससे लड़ रही है? पोर्चुगीज से, नेवी नॉट आर्मी। और यहां पर पोर्चुगीज की जीत होती है। तो अल्मेडा खुद आया था इस लड़ाई में और उसने इन सभी सल्तनत्स की जो कंबाइंड फ्लीट थी उसको हरा दिया। और इस लड़ाई के बाद पोर्चुगीज डोमिनेंस भारत के तट पर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। फिर अल्मेडा ने क्या करा कि देखो एक दो जगह से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे बेस बनाने पड़ेंगे। तो उसने ये सोचा कि चलो हम पूरे ब्लू वाटर पॉलिसी बनाते हैं, कार्टास सिस्टम लाने के लिए। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि हमारा सभी समुद्र पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल कैसे होगा कि हमें बहुत सारे एरियाज पर अपने बेस स्टेशन बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो आज यूएसए करता है वही उस समय पोर्चुगल कर रहा था। तो इसने कई जगहों पर अपने बेस बनाने शुरू किए, जैसे भारत में आप देखेंगे कि गोवा है, दीव, दमन, कैलीकट, इस तरह के बहुत सारे पोर्ट्स बनाए गए, वहां पर किले बनाए गए। और धीरे धीरे ये पॉलिसी आगे बढ़ाते इसको गए। फिर उसके बाद आता है अगला गवर्नर, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क जो है इसने फाइनली पोर्चुगीज कंट्रोल को इंडियन ओशन में पूरी तरह से स्थापित कर दिया। तो इन्होंने रेड सी में अपने बेसिस स्थापित किए, सोकोट्रा जो यमन के पास में एक आइलैंड है, ऑर्मूज जिसके नाम पर आज स्ट्रेट्स ऑफ ऑर्मूज है, मलाबार, मलक्का स्ट्रेट्स, वहां तक इन्होंने अपने बेसिस को एस्टैब्लिश कर दिया। एल्बुकर्क ने एक नया सिस्टम निकाला जिसको कार्टाज सिस्टम कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखेगा, CARTAZ, कार्टाज सिस्टम जो है। इसमें क्या होता था कि पोर्चुगीज के अलावा अगर कोई कोई भी दूसरा जहाज है तो उसको एक परमिट लेना होगा, एक परमिशन लेकर फिर वो भारत के आसपास जो समुद्र है उसमें व्यापार कर सकता है। तो ये कार्टाज सिस्टम जो है ये सबके लिए लागू था। आप कोई अरब शिप है, चाहे कोई मुगल शिप भी है, तो मुगल एम्पायर जो जमीन पर सबसे पावरफुल एम्पायर है इस समय, यानी कि एस्टैब्लिश होने वाला है बाबर के बाद, 1526 के बाद, उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी पोर्चुगीज से, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली इन्होंने अपना समुद्र पर एक टोल लगाना शुरू कर दिया और पूरे शिप बिल्डिंग सेंटर्स बड़े बड़े बनाने शुरू कर दिए। अब यहां पर क्या है कि अरब्स मात खा गए, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में, मिडिल ईस्ट में लकड़ी इतनी नहीं होती थी। तो ये पोर्चुगीज के सामने शिप बिल्डिंग में पीछे चले गए, ये रैपिड शिप बिल्डिंग कर नहीं पाए, तेजी से जहाज नहीं बना पाए, क्योंकि इनके पास पेड़ नहीं थे इतने, जंगल नहीं थे काटने के लिए जहां से लकड़ी ला पाते। और पोर्चुगीज इस मामले में लकी थे कि यूरोप में उनके पास बहुत सारे पेड़ थे, काट काट के जहाज बनाते गए। 1510 में एल्बुकर्क ने गोवा को अक्वायर किया, कहां से? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, गोवा को कहां से हासिल किया था इन्होंने? बीजापुर के सुल्तान से, 1510 में। और उसके बाद इन्होंने पोर्चुगीज ट्रेडर्स को कहा कि आप लोकल लोगों से शादियां करो, गोवा के जो लोकल्स हैं वहां पर शादी करो, यहां पर आप एस्टैब्लिश हो जाओ, तो इससे क्या होगा कि हम यहां पर परमानेंट एक तरह से बस जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कोकोनट फैक्ट्रीज, कोकोनट कॉयर, रस्सी बनाने की फैक्ट्री स्थापित करी गोवा कोचिन में। बेसिकली ये लोकल ट्रेड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। टोबैको लेकर आए ये, टोबैको इससे पहले इंडिया में नहीं उगता था, टोबैको, कैशोनेट, इन सब के प्लांटेशन इन्होंने स्थापित किए। आलू भी इनफैक्ट पोर्चुगीज लेकर आए थे, आलू भी हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, इनके प्लांटेशन पोर्चुगीज यहाँ पर लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस भी यही लोग लेकर आए थे। और इन्होंने इरीगेशन नेटवर्क भी बनाए गोवा में, रोड्स बनाई। सती प्रथा को इन्होंने अबॉलिश किया आते ही। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने अबॉलिश करने की कोशिश करी थी, तो दैट वाज पोर्चुगीज इन एरिया ऑफ गोवा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गोवा में इन्होंने बड़े स्तर पर क्या करने की कोशिश करी? कन्वर्जन्स। तो रिलीजियस कन्वर्जन्स थे, इंक्विजिशन हुए, स्पैनिश इंक्विजिशन का नाम आपने सुना होगा। इंक्विजिशन कुछ नहीं होता था, बेसिकली अगर कोई धर्म के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको एक तरह की अदालत में लाया जाता था, और वहां पे पहले से ही फैसला तय है कि भाई इसको तो सूली पर चढ़ाना है। तो स्पैनिश इंक्विजिशन का बहुत डर था, और इस तरह के इंक्विजिशन गोवा में भी बहुत हुए और कई लोगों को यहां पर कन्वर्ट किया गया। 1526 में इन्होंने मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटका में स्थित है, दक्षिणी कर्नाटका में, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। और एक आइलैंड है उडुपी नाम के शहर के पास में, उस पे पादराओ दी सांता मारिया उन्होंने नाम दे दिया, सेंट मेरीज आइलैंड के नाम से आज भी इसे जाना जाता है। तो ये 1526 में होता है। 1529 में नया गवर्नर आता है, नीनो डी कुना। तो इसका नाम वैसे हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सको तो रख लेना। इसने बस एक इंपॉर्टेंट काम किया था कि इसने कोचिन से कैप
ट्रीटी ऑफ बसेन साइन होती है पोर्चुगीज और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच में, तो बसेन आइलैंड किसको मिल गया? पोर्चुगीज को। तो इस तरह से मुंबई जो आज का जो एरिया है ना, मुंबई के पास वाला, वो इनके पास आ जाता है। तो ये याद रख सकते हो आप, वसई विरार जो एक तरह से मुंबई का सबर्ब है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, वो अब पोर्चुगीज के पास आ गया था। तो ये जो बॉम्बे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर पोर्चुगीज का राज हो गया। कैसे हुआ था? 1534 में इन्होंने गुजरात के सुल्तान से ये ले लिया था, और इन्होंने एक दीव में भी फैक्ट्री बनाई, और यहां पर इन्होंने धीरे धीरे अपना बहुत स्ट्रांग किला बनाना शुरू कर दिया। बदले में बहादुर शाह को क्या मिलता है? पोर्चुगीज नेवी का सपोर्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर हुमायूं। तो उस वक्त मुगल एम्पायर इतना स्थापित नहीं था, हुमायूं कोशिश कर रहा था गुजरात को जीतने की, लेकिन पोर्चुगीज के सपोर्ट से कुछ समय के लिए बहादुर शाह जो है वो अपना कंट्रोल मेंटेन रख सका गुजरात के ऊपर। हुमायूं हैड टू रिटर्न, और उसके बाद हुमायूं फिर से अपनी दिल्ली की सल्तनत भी गंवा बैठा, लेकिन वो बात अलग है कि ही केम बैक आफ्टर मेनी ईयर्स, और अल्टीमेटली अकबर ने गुजरात पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि गुजरात के सुल्तान और पोर्चुगीज के जो रिलेशन है वो भी खराब हो जाते हैं। तो सुल्तान बहादुर शाह क्या करते हैं कि पोर्चुगीज को बोलते हैं कि तुम दीव छोड़ के चले जाओ, और सुल्तान क्या करते हैं कि पोर्चुगीज के वाइसरॉय के शिप को अपने पास बुलाते हैं और वाइसरॉय को मर्डर कर देते हैं। तो उसके बाद पोर्चुगीज गुस्सा होकर दीव पर आते हैं, एक लड़ाई लड़ी जाती है, और उसके बाद से दीव हमेशा से पोर्चुगीज का हो जाता है। इस स्लाइड में जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के सुल्तान के साथ इन्होंने कितना कुछ नेगोशिएट किया और किस तरह से ये लोकल राजाओं के अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग गए थे। 1546 में सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो बहुत ही फेमस सेंट हैं, वो आते हैं। गोवा में इंक्विजिशन होता है, नॉन क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन शुरू होता है। 1579 के बाद से कई क्रिश्चियन मिशंस आते हैं जो मुगल दरबार भी जाते हैं और एम्परर अकबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पोर्चुगीज तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम अकबर को ही कन्वर्ट कर दें तो समझ रहे हो पूरा हिंदुस्तान हमारा, पूरा भारत पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये सोच के साथ इन्होंने अकबर के पास मिशनरीज को भेजा, लेकिन अकबर बहुत दिमाग वाला था, उसने उनको बिठाकर थियोलॉजी पर डिस्कशन शुरू करवा दिए कि आओ बैठो तुम भी, अलग अलग धर्मों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, और कौन सा नया धर्म बनाया था कमेंट में बता दो अगर आपको पता है, वैसे आगे मिडिवल इंडिया में हम इसको पढ़ ही लेंगे। फिर नीनो डा कुना जो है उसने बंगाल के अंदर भी अब फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश करी। पोर्चुगीज ट्रेडर्स को उसने हुगली के पोर्ट पर परमानेंटली बिठाया, दैट इज कॉल्ड पोर्ट हुगली, और आज उसको बंदेल कहते हैं। पोर्चुगीज ने 1559 में दमन को कैप्चर किया। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, दमन से हो तो फिर इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्चुगीज अब लोकल डक्कन की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगे। विजयनगर वर्सेस डक्कन सुल्तान की जो लड़ाइयाँ थी उसमें वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, किसी को हथियार बेचने की कोशिश करते थे, किसी को कहते थे कि हम आपको नेवल सपोर्ट दे देंगे। मुगल्स और मराठास के बीच में भी वो इंटरफेयर करने लगे, कभी कभी मराठास को सपोर्ट करने की कोशिश करी। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट के बाद विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है, उसके बाद ये जो सल्तनत्स हैं ये सब पावरफुल हो जाती हैं, जो डेक्कन सल्तनत्स हैं, और इनके साथ पोर्चुगीज एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन करते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज को दिख गया कि अगर ये हमको भगाने पर आ गए तो हमें एक दिन में भगा सकते हैं। तो इनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली इन्होंने कि आप हम पर अटैक नहीं करोगे। इसीलिए आप देखो कि गोवा, जो कि एरिया वाइज काफ़ी छोटा है, वो इतने सालों तक सेफ रहा क्योंकि इन्होंने सबके साथ ट्रीटी साइन कर ली थी। 1579 में एक मुगल फरमान जारी होता है, पोर्चुगीज को ट्रेड करने की आज़ादी दे देता है। कहाँ पर? हुगली में, बंगाल में, और यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स ये बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सॉल्ट के ऊपर अपनी पूरी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर देते हैं। उसके बाद ट्रेड ऑफ टोबैको पर एक ड्यूटी लगाई जाती है मुगल एम्पायर के द्वारा, जो इनको पसंद नहीं आती पोर्चुगीज को, क्योंकि इनका टोबैको का बहुत ल्यूक्रेटिव ट्रेड था, बहुत फायदे वाला ट्रेड था। तो पोर्चुगीज क्या करते हैं कि स्लेव ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, स्लेव्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए ये कई लोगों को कैप्चर करते हैं, हिंदू मुस्लिम, और धीरे धीरे उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट करके या फिर स्लेव्स की तरह उनको बेचा जाता है। तो मुगल पोर्ट जो है सप्तग्राम का, वो डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ पोर्चुगीज ट्रैफिकिंग। तो ये मुगल पोर्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये पोर्चुगीज पोर्ट से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 1632 में पोर्चुगीज इतने ज्यादा उद्दंड हो चुके थे कि इन्होंने बादशाह की वाइफ की दो दासियों को या दो मेड्स को, उसके जो स्टाफ में काम करती हैं उनको कैप्चर कर लिया, क्योंकि स्लेव ट्रेड कर रहे थे। इससे शाहजहां इतना नाराज हो गया कि उसने हुगली का जो इनका पोर्ट था वहां पर 3 महीने तक सीज लगा दी, यानी कि अपनी आर्मी भेज दी, और अल्टीमेटली हुगली पर मुगल आर्मी का कब्जा हो गया। पोर्चुगीज को छोड़कर भागना पड़ा, यहाँ से अपनी बोट्स में भाग रहे थे तो एक मदर मैरी का स्टैचू पानी में गिर गया। बाद में पोर्चुगीज प्रीस्ट गए शाहजहां के दरबार में और रिक्वेस्ट करी कि भाई जो हमारे ड्राउंड आइडल्स हैं, हमारे जो मदर मैरी का स्टैचू गिर गया पानी में, कम से कम उसको हमें सर सम्मान वापस निकालने दो। शाहजहां दिलदार आदमी था इस मामले में, उसने कहा कि ठीक है निकाल लो, और एक ज़मीन भी दे देता हूँ तुम्हें, वहाँ पर चर्च भी बना लो। तो आज भी वहाँ पर चर्च मौजूद है, बंदेल चर्च नाम से, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। लेकिन 1632 के बाद से
मुगल्स ने पोर्चुगीज के साथ कोई भी फेवर्स देने इनको बंद कर दिया, यानी कि इनको कोई भी फायदा देना बंद कर दिया, और अब धीरे धीरे इंग्लिश के साथ ये लोग डील्स अपनी बढ़ानी इन्होंने मुगल एम्पायर ने शुरू कर दी। 1661 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, पोर्चुगीज के पास जो बॉम्बे का आइलैंड था, जो ट्रीटी ऑफ बसाइन से इनके पास आया था, बाय द वे दो तीन ट्रीटी ऑफ बसाइन होंगी आगे भी बार बार ये नाम आएगा, तो पहले वाली जो मैंने आपको बताई थी वो अलग थी, अब भविष्य में एक और ट्रीटी ऑफ बसाइन आएगी। ओके, तो बसाइन का जो ये आइलैंड था, ये इन्होंने क्या करा, पोर्चुगल के राजा ने अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। किसको? बेटी की शादी हुई थी इंग्लैंड के राजा के साथ, तो नाम इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो पोर्चुगल की राजकुमारी थी, इसकी शादी हुई थी चार्ल्स के साथ। 1661 ईयर था शादी हुई। तो उसके बाद क्या होता है कि पोर्चुगल ने तो ये सोच के दिया था कि चलो छोटा सा जमीन का टुकड़ा ही तो है, आप बॉम्बे को आज की नज़र से मत देखो, मुंबई शहर के हिसाब से मत देखो, उस समय ये कुछ भी नहीं था, दो चार गांव थे वहां पे, छोटे मोटे फिशिंग विलेजेस थे। इंग्लैंड का राजा बोलता है मैं क्या करूंगा इसका, ये फालतू सा आइलैंड है जो इतने हजारों मील दूर है, मैं तो जीवन में कभी जाने वाला भी नहीं हूँ। पहले ऐसा नहीं है कि राजा अपने देश के बाहर इतना निकलते थे, हार्डली कभी कैपिटल छोड़ते थे राजा मिडिवल टाइम्स में। तो इंग्लैंड के राजा ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो गई थी, तो उसको ये आइलैंड दे दिया गया। 1739 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बसेन, इसका जिक्र मैंने अपने कल वाले लेक्चर में भी किया था। बसेन किसके कंट्रोल में था? पोर्चुगीज के, लेकिन अब किसके कंट्रोल में चला गया? मराठास के। मराठास की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? पेशवा बाजीराव, ठीक है, बाजीराव द फर्स्ट। तो बैटल ऑफ वसईन में क्या है कि जो मुंबई वाले आइलैंड्स है ना, वो तो पोर्चुगीज के पास रह गए, लेकिन वो जो आइलैंड्स के नॉर्थ वाला एरिया है, जो वसई विरार वाला पूरा एरिया है, वो चला गया मराठास के पास, वो इनके हाथ से निकल गया। लेकिन देखो किस्मत इनकी कितनी अच्छी थी पोर्चुगीज की, कि कुछ ही साल बाद थोड़ा सा उत्तर में इनको दादरा और नागर हवेली मिल गए। ये कैसे मिले? 1779 में एक्चुअली मराठास ने इनकी एक शिप को डैमेज कर दिया था पोर्चुगीज के, तो इनके बीच में बाद में संधि हो गई थी 1772 में, तो उसमें कुछ पैसे देने थे। किसको? मराठास को, पोर्चुगीज को पैसे देने थे। मराठास के पास पैसे नहीं थे उस समय, उनकी अलग लड़ाइयाँ चल रही थी इंग्लैंड वगैरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो मराठास ने क्या कहा कि पोर्चुगीज को कि पैसा तो नहीं है, एक काम करो गांव ले लो, 70 या 72 कुछ गांव थे, उनका टैक्स कलेक्ट कर लेना आप। पोर्चुगीज ने कहा बिल्कुल, हम तो खुशी खुशी लेंगे। तो नागर हवेली उनको मिल गया, और थोड़े टाइम बाद उन्होंने दादरा खरीद लिया मराठास से। तो इस तरह से दादरा और नगर हवेली पोर्चुगीज के पास चले गए। 1799 और 1813 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोवा कैप्चर कर लिया था। तो कुछ साल के लिए गोवा इनके कंट्रोल से बाहर चला गया था, लेकिन फिर इनकी डील हुई कि गोवा अब फिर से पोर्चुगीज को दे दिया गया, और 1843 में इन्होंने कैपिटल अपना शिफ्ट करके ओल्ड गोवा से न्यू गोवा कर लिया, जो आज कैपिटल है पंजिम, ये इनका कैपिटल बन गया। तो इस तरह से 200 साल के टाइम पीरियड में पोर्चुगीज इतने सारे आउटपोस्ट बनाने में सफल रहे। तो इस तरह से पोर्चुगीज 200 सालों में भारत में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट अपना स्थापित कर चुके थे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर इतना बड़ा फुटप्रिंट था तो फिर आज हम पोर्चुगीज कॉलोनी क्यों नहीं बने थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी क्यों बन गए? उसके पीछे देखो दो तीन रीज़न है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन रीज़न क्या है कि पोर्चुगीज कभी ज़मीन स्तर पर, यानी कि कोस्टल एरिया से अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर से टक्कर लेने की इनकी, टू पुट इट वेरी पोलाइटली, औकात नहीं थी, और लिख मत देना औकात औकात लिखना कि मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल था, और पोर्चुगीज नेवल पावर तो थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनके पास इतनी आर्मीज नहीं थी कि ये लोकल एम्पायर, जैसे कि मुगल एम्पायर या विजयनगर या फिर डेक्कन की जो सल्तनत हैं, उनसे लड़ सकें। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ने बहुत समझदारी करी, उन्होंने क्या करा, लोकल राजाओं से दोस्ती करके उनकी आर्मीज का इस्तेमाल किया। सेकेंड रीज़न ये था कि पोर्चुगीज जो हैं ये थोड़े से मतलब कट्टर रिलीजियस लोग थे, बहुत सारे कन्वर्जन करने में बिलीव करते थे, जो लोकल लोग हैं जो धार्मिक तौर पर उनको फॉलो नहीं कर रहे उनको यातनाएं देते थे, तो लोग इनके राज से खुश नहीं थे। यानी कि ये ट्रेड वेड तो करवा रहे थे, लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन्स और जो रिलीजियस यातनाएं दी गई उसको लेकर लोग इनसे कभी भी खुश नहीं थे। गोवा के लोग आज भी इस बारे में याद करते हैं, गोवा के कई हिस्टोरियंस ये घटनाओं को याद करते हैं कि किस तरह से पोर्चुगीज रूल के समय में मंदिर तोड़े गए, जबरन कन्वर्जन्स कराए गए, तो इन चीज़ों का एक गलत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तीसरा, पोर्चुगल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही करप्ट था। यहाँ पे क्या है कि ऑफिसर्स का सबका ये मन था कि खुद पैसे कमा लो, पोर्चुगीज एम्पायर या तेल लेने। कुछ समय के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी यही मन होता था, पैसे कमा भी लेते थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत इसलिए अच्छी रही कि कुछ कुछ समय पर वहाँ पर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए जिन्होंने एक्चुअली में एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को। पोर्चुगल के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि शुरू शुरू में तो सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सारे ऑफिसर्स इनके फेल थे, सबके दिमाग में एक ही बात थी, आओ पैसा कमाओ और करप्शन करके चले जाओ। तो उनके लिए वो वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी कि एम्पायर को ग्रो करना है। चौथा रीज़न ये है कि पोर्चुगल जो है वो 1580 में
यूरोप में स्पेन के अधीन चला गया था। तो स्पेन पोर्चुगल के ऊपर ओवरलॉर्डशिप में था, यानी कि पोर्चुगल का जो किंगडम है वो स्पेन के अधीन हो गया। तो स्पेन का इतना इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में कि पोर्चुगल का हम एम्पायर क्यों बढ़ाएं, स्पेन अपना एम्पायर बढ़ाने में लगा था। तो जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो सब स्पेन के एम्पायर में लगने लगे, और पोर्चुगल एक बहुत छोटा देश है, उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। तो ठीक है, जहाज़ बना लोगे, 100 बना लोगे, 200 बना लोगे, लेकिन 1,000 नहीं बना सकते, क्योंकि पोर्चुगल के पास जगह कम है। फिजिकली इट्स अ स्मॉल कंट्री कंपेयर टू स्पेन और इटली, या जो यूरोप के दूसरे बड़े देश हैं जैसे फ्रांस, यूके, इनके कंपेरिजन में वो काफ़ी छोटा देश था। तो इसीलिए वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसके पास जो पोर्ट थे, जो गोवा जैसे एरिया थे, उसको वो 1950s तक होल्ड करने में सफल रहा। अब हम बात करते हैं डच के बारे में। तो देखो, डच के इतने पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी बस एक कहानी है, उसको सुन लो। हर हर चीज को याद रखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो 1594 में डच ने अपनी पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था डच कंपनी ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, और इसका काम क्या था कि पोर्चुगल की बढ़ती बिजनेस मोनोपोली को तोड़ना। तो इस कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो सबसे पहले पहुंचे इंडोनेशिया, वहां से वापस आए तो 400 गुना मुनाफा, 400% मुनाफा, नॉट 400 टाइम्स, 400% प्रॉफिट लेकर आए। किसमें? स्पाइसेस के ट्रेड में। तो स्पाइसेस का ट्रेड उनको बहुत बढ़िया लगा। 1602 में एक और कंपनी बना दी गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, VOC। ये नाम आपको बस याद रखना है, VOC याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसका जो डच नाम है कोई नहीं पूछने वाला, वीरेंगडी ओस्टेंडिश कंपनी, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा, आई डोंट नो। तो VOC जो है ये कंपनी दुनिया की पहली मॉडर्न कंपनीज जैसा स्ट्रक्चर होने वाली कंपनी थी। तो ये मॉडर्न कॉरपोरेट फर्म के तरह इन्होंने बनाई थी, और इस कंपनी को वहां के राजा या वहां की सरकार के द्वारा क्या क्या पावर दिया गया, लड़ाई लड़ सकते हो, संधि साइन कर सकते हो, फॉरेन टेरिटरी होल्ड कर सकते हो। ध्यान रखना ये कंपनी है, इसको ये परमिशन दी जा रही है डच राजा के द्वारा, और जहां चाहो वहां फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये उस कंपनी का ऑफिस है, और इनके जहाज ही दिखा रहे हैं क्योंकि जहाज इनकी पावर का सबसे बड़ा सोर्स थे। इनका अगर आपको मैं सिंपली फंडा बताऊं ना, तो डच ने क्या पायनियर किया था, जो आज का शेयर होल्डिंग फॉर्मूला है ना, ये इन्होंने समझ लिया था। पहले क्या होता था, मान लो एक आदमी है, उसके पास 10 जहाज हैं, ठीक है, मान लो व्यापारी है, उसके पास 10 जहाज हैं, अगर किसी तूफान में उसके 2 जहाज डूब गए तो उसका तो 20% लॉस हो गया ना। लेकिन डच लोगों ने क्या स्कीम निकाली कि एक आदमी 10 जहाज ओन ना करे, बल्कि 10 लोग मिलकर 100 जहाज के मालिक बन जाएं। तो हर व्यक्ति का हर जहाज में कितना कितना कुछ कुछ परसेंटेज हिस्सा हो जाएगा। तो मान लो अगर 100 में से 5 जहाज भी डूब जाते हैं साल में, डूबते ही थे पहले तूफान उफान में, तो यहां पर अगर मान लो ये किसी एक आदमी के होते तो उसके तो आधे जहाज चले जाते 10 में से 5। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सभी 100 में शेयर होल्डर है, तो अब उसका केवल 5% नुकसान हुआ है। तो जहां पहले उसका नुकसान कितना होता, 50%, अब उसका नुकसान केवल 5% हो रहा है। तो ये जो शेयर होल्डिंग वाला फॉर्मूला है ना, ये इन्होंने पायनियर कर लिया था, और इसीलिए इनकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल रही थी। हमें क्या याद रखना है, भारत में पहली डच फैक्ट्री कहाँ बनी, मासूली पट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मछली पट्टनम जगह का नाम है, डच उसको मासूली पट्टनम कहते थे। उसके बाद पुलिकट, ये कहाँ है आज, उड़ीसा में, सूरत में इनकी 1616 में फैक्ट्री बनी थी। फिर इन्होंने गौल, जो आज श्रीलंका में है, वहाँ पर फैक्ट्री बनाई, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसूरा, चिंसूरा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कई जगह इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। आप ध्यान दोगे कि ये किस तरफ कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, भारत के ईस्ट कोस्ट पर इनका ज़्यादा फोकस था, वेस्ट में भी थी फैक्ट्रीज लेकिन ईस्ट पे इनका ज़्यादा फोकस था, ठीक है। तो चिंसूरा जो है ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री हो गई थी, वो जो बांदेल वाली लोकेशन थी पोर्चुगीज़ की, उसके बिल्कुल बगल में ये इनकी फैक्ट्री थी। तो इस तरह की कुछ फैक्ट्रीज हुआ करती थी। अगर आपने फैक्ट्री फैक्ट्री नाम सुना है और कभी देखा नहीं, तो आप देखो एक टिपिकल फैक्ट्री ऐसी होती थी, इसमें बस कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ पर इनके लोग रहेंगे, यहाँ पर एक वेयरहाउस जैसा होगा, ऑफिस बिल्डिंग है, कुछ बाग बगीचे बने हुए हैं, लोग आ जा सकते हैं। ध्यान देने लोग लायक बात क्या है कि इसके चारों तरफ एक शानदार दीवार बनी हुई है कि कभी लोकल लोग अटैक करने आ जाए या फिर कोई पड़ोसी पोर्चुगीज भी अटैक करने आ जाए तो उससे बचाव किया जा सके। और फैक्ट्रीज जनरली नदी या समुद्र के किनारे होती थी ताकि आसानी से ट्रेड हो सके, ठीक है। तो ये एक टिपिकल फैक्ट्री का फोटो है। डच का जो व्यापार था वो बहुत प्रॉफिटेबल था बंगाल वाले एरिया में। सिल्वर और कॉपर आता था जापान से, जो मुगल्स के साथ ट्रेड करने में यूज़ करते थे। फिर यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल और पोर्सलिन का व्यापार किया जाता था। तो डच जैसे जैसे बढ़ते गए, पोर्चुगीज़ को थ्रेट दिखने लगा उनमें से, और उनके बीच में आपस में एक राइवलरी शुरू होती है, दोनों एक दूसरे से कई लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं छोटी छोटी, और अल्टीमेटली डच ने पोर्चुगीज़ को लगभग सभी कोस्टल कॉलोनीज से एक्सपेल कर दिया था। 1659 आते आते डच इतने पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया था बहुत जगह, डच की पूरी मोनोपोली हो गई थी। और VOC जो है वो पूरे मालाबार कोस्ट में, यानी जो आज का जो केरल वाला कोस्ट है, वहां पर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी, और पोर्चुगीज को इन्होंने सब जगह से भगा दिया था। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि यूरोप में इनके बीच में एक संधि साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ हाग साइन होती है, और उससे पोर्चुगल और नेदरलैंड्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है
और उस समय तक क्या हुआ था कि पोर्चुगीज के पास केवल गोवा बचा था, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ हाग साइन होने से ये बच गए, वरना इनको भारत से पूरा टाटा बाय बाय कर देती वीओसी। ठीक है, 1663 में वीओसी ने कोचिन में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी, और 1669 आते आते यानी 17वीं शताब्दी के मध्य में ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। वीओसी उस समय की टेस्ला, एप्पल सब कुछ थी, है ना, इतनी बड़ी कंपनी थी। इसके पास 150 मर्चेंट शिप्स थे, 40 वॉरशिप्स, 50,000 एम्प्लॉई, तब आबादी भी इतनी नहीं थी, 50,000 एम्प्लॉई थे, 10,000 सैनिक थे, और डिविडेंड पेमेंट देख रहे हो आपका, ये 40% डिविडेंड पेमेंट्स उनके जो ट्रेड करते हैं ना उनके मुंह से लार टपक गई होगी, 40% डिविडेंड पेमेंट आता था, इतना तो आजकल भी कोई कंपनी नहीं दे पाती है। फिर लेकिन क्या होता है कि एक लड़ाई शुरू होती है इनकी इंग्लैंड के साथ, कहाँ पर, यूरोप में, एंग्लो डच वॉर होता है, और इसमें डच जीत जाते हैं पहले तो, लेकिन इस लड़ाई के कारण इनके व्यापार पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। वीओसी का जो पूरा एशियन ट्रेड है वो धीरे धीरे सफर करना शुरू कर जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस वक्त तक इंडिया में आ चुकी थी वो इस एंग्लो डच लड़ाई के बाद एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज को इंडिया में पुश करती है, और जो फ्रांस की कंपनी है वो भी बन चुकी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी कॉम्पिटिशन में आ गई, और इन दोनों के कॉम्पिटिशन के सामने अल्टीमेटली डच भी टिक नहीं पाए। 1710 में वीओसी ने जैमोरिन ऑफ कैलिकट के साथ एक व्यापार समझौता किया कि मालाबार में ट्रेड, स्पाइस ट्रेड केवल हम करेंगे, बाकी किसी यूरोपियन के साथ आप व्यापार नहीं करोगे, केवल हमारे साथ करोगे। लेकिन 1715 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैमरिन को बोला कि ये ट्रीटी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आप हमारे साथ व्यापार करो, हम आपको बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर पैसा देंगे। तो इसीलिए जैमोरिन ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिज्यूम कर लिया, 5 साल में इनकी ट्रीटी फेल कर गई। धीरे धीरे क्या होता है कि वीओसी को समझ में आने लग गया कि हम इंग्लिश और फ्रेंच के सामने यहाँ पर नहीं टिक सकते, तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस को थोड़ा यहाँ कम करना शुरू कर दिया। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि उनको ईस्ट, जो डच ईस्ट इंडीज़ थे यानी इंडोनेशिया वाला रीजन, वहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, तो इसलिए वो यहाँ से ज़्यादा ध्यान वहाँ पर दे रहे थे। इसका फायदा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बढ़ा लिए, डच फोर्ट्स को कई जगह उन्होंने कैप्चर भी किया, और इस तरह से ये पावरफुल होते गए। 1741 में ट्रावनकोर और डच के बीच में एक लड़ाई होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि यहाँ पर डच हार जाते हैं, और इस हार के बाद और ज़्यादा ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, मेनली मैं आपको ये पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये डच ऑफिसर है, ये त्रावणकोर के राजा मर्तांड वर्मा के सामने सर झुकाकर सरेंडर कर रहा है। फिर इन्होंने एक और ब्लंडर किया बंगाल में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी, उसको डिस्कस करेंगे हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में। लेकिन इस बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी मीर जाफर हराना चाहता था, ये मीर जाफर बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था, पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र आया था ना। तो मीर जाफर ने वीओसी को इनवाइट किया कि तुम आओ और ब्रिटिश को यहाँ से भगा दो, लेकिन वीओसी बहुत बुरी तरह से यहाँ हार गई और उनको विड्रॉ करना पड़ा, और इस बैटल ऑफ चिंसुरा में इनकी हार होती है। फिर 1780 में फोर्थ एंग्लो डच वॉर होता है यूरोप में, वहाँ पर फाइनली जाकर डच हारते हैं और वीओसी की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो जो कंपनी टेस्ला वेस्ला की तरह बड़ी दुनिया की कंपनी बनी बैठी थी 1799 में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और वीओसी के ज़्यादातर जो एरियाज हैं इंडिया में वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, और फाइनली ये अपने आप को इंडिया से पूरी तरह बाहर खींच लेते हैं। तो 1800 आते आते ये इंडिया से आउट हो चुके थे, एग्जिट ले चुके थे, इनको इंडिया में अब व्यापार नहीं करना था। इसी के साथ ये लेक्चर जो थोड़ा लंबा हो गया समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।